हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टार बाय भूमिका। और मैं हूं आपकी दोस्त भूमिका। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूं 5 मस्ट हैव जीन्स जो आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करें। जहाँ हम 5 मस्ट हैव जीन्स की बात करते हैं, वहाँ सबसे ऊपर टॉप पे आता है स्लिम फिट जीन्स। हाँ जी, ब्लैक कलर की स्लिम फिट जीन्स हर के पास होनी चाहिए। मेरे पास यहाँ पे अभी ग्रे कलर की है, मेरी ब्लैक वाली पता नहीं कहाँ है यार, मिली नहीं रही है। तो ये भी स्लिम फिट जीन्स है, ग्रे कलर की। आप इसका ट्राई ऑन देख रहे होगे, मैंने उसमें दिखाया है आपको। तो आप इसको कितने अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो आपको भी आइडिया नहीं होगा। कुर्ती के साथ, शॉर्ट कुर्ती के साथ, टी शर्ट के साथ, शर्ट के साथ, अनगिनत तरीके हैं इसे स्टाइल करने के। ये हर के साथ जाता है, फिर चाहे आप ठंड में पहनो या गर्मी में पहनो, हर जगह आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके स्टाइल करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जीन्स आपके वार्डरोब में होनी ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड जीन्स पे, जो कि आपके वार्डरोब में मस्ट हैव होती है। वो है ये बैगी जीन्स, ब्लू कलर की बैगी जीन्स, जो कि एक वॉल्यूम भी क्रिएट करती है, हर बॉडी के साथ, हर बॉडी शेप के साथ भी जाती है। आप हमेशा ऐसी जीन्स को पेयर अप करो अपने एक किसी क्रॉप टॉप के साथ, किसी ऊपर जो टाइट हो, मतलब ऊपर वाला टाइट हो और नीचे वाले लूज़, क्योंकि ये बैगी जीन्स लूज़ होती हैं। तो इसको अगर आप लूज़ करोगे तो वो जो आपका बॉडी शेप आता है ना, वो निकल के नहीं आएगा। तो इसलिए आप हमेशा ऊपर जो भी पहन रहे हो वो टाइट हो, क्रॉप टॉप हो या टॉप भी हो, तो वो लूज़ ना हो, हमेशा टाइट ऐसा पहनो, ठीक है। तो ये एक सेकेंड जीन्स है जो आपके वार्डरोब में होनी। थर्ड जो जीन्स है और जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, वो इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेंडी है, जो कि है एक स्ट्रेट फिट जीन्स। हाँ जी, मैं इस ब्लू कलर की, इवन मतलब ये लाइट ब्लू कलर है ना, लाइट ब्लू कलर की जीन्स है ये, आपके वार्डरोब में ज़रूर होनी चाहिए। एक ना एक जीन्स आपको हमेशा ऐसी अपने वार्डरोब में रखनी चाहिए जो प्रेजेंट में ट्रेंड में है, जो हर लोग पहन रहे हैं। और ये जीन्स इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, आप इसे शूज़ के साथ, स्पोर्ट्स शूज़ के साथ पहन सकते हो, कैनवस शू के साथ पहन सकते हो, हील इसके साथ डाल सकते हो, इवन जूतीज भी पहन सकते हो उसके साथ भी, ये बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ ये है, ये स्ट्रेट फिट है, तो आप इसके साथ कोई भी ढीली भी शर्ट पहन सकते हो, ढीली टी शर्ट भी डाल सकते हो, इवन शॉर्ट कुर्तीज भी डाल सकते हो, वो भी बहुत प्यारी लगती है। और एक अच्छी खासी आपको हाइट प्रोवाइड करती है ये जीन्स, और आपके वार्डरोब में होनी ज़रूर चाहिए। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी जीन्स की, जो कि आज नहीं, मैंने कितने सालों से देख लिया है ये ट्रेंड से जा ही नहीं रही है, ये फॉरएवर वाली हो गई है। वैसे मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है, पर मैंने देखा है इसका ट्रेंड आज तक चला जा रहा है, जब से शुरू हुआ है, और अभी भी लोग इसे पहनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये मैं बात कर रही हूँ इस डिस्ट्रेस्ड जीन्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमेशा से ट्रेंड में रही है और अभी भी है, और काफ़ी अच्छी लगती है। आप इसको एक वाइट शर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हो हील्स पहन के, और इसके साथ आप ब्लेज़र डाल सकते हो, अंदर किसी प्लेन कलर की टी शर्ट पहन के ऊपर ब्लेज़र डाल लो, नीचे हील्स पहन लो, या फिर अगर आपको कैनवस शू पसंद है तो आप उसके साथ भी पेयर अप कर सकते हो एक टी शर्ट डाल के, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, कूल लुक लगता है और काफ़ी स्मार्ट लुक लगता है। सॉरी, पता नहीं कैसे मेरी लास्ट क्लिप डिलीट हो गई, खैर छोड़िए। ये है मेरी फिफ्थ और लास्ट जीन्स, जो है एक बॉयफ्रेंड जीन्स। इसे आप टी शर्ट के साथ, शर्ट के साथ, ब्लेज़र के साथ, हील्स, बूट्स और कैनवस शूज़, इस तरह की जूती, अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी लगती है, आपके वार्डरोब में होनी चाहिए।